दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए बच्चों इसके लिए पहले हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। आपको याद है पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन याद आया कुछ, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर वेयर ए आईज आर कॉन्स्टेंट और x क्या होता था इसमें वेरिएबल। कुछ याद है ऐसी डेफिनेशन आपको? अब यहां पे x वेरिएबल होता था तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है। ओके इसके बाद इक्वेशन क्या होती है? डिनोट कर देते थे इस पॉलीनोमियल को p of x से। इक्वेशन क्या होती है? Anything that equates one or more variable is called an equation. तो equation क्या होती है बच्चों? जो इक्वेट करे, इक्वेट मतलब इक्वल टू का साइन हो एंड वन और मोर वेरिएबल जिसमें वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो। जैसे एक वेरिएबल वाले लेते हैं जैसे 2x + 7, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा के कुछ भी लिख दे आपकी मर्जी है। क्या लिखें बोले इधर 3y - 1, ठीक है जी, इक्वल टू का साइन है और एक साइड वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। समझ में आ गया? इसके बाद लीनियर पॉलीनोमियल याद है क्या होता था? पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 उसको हम क्या बोलते थे? लीनियर पॉलीनोमियल याद है, p of x equal to जैसे एग्जांपल था 2x + 7 एक्सेट्रा। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन है तो ऐसे ही आपकी लीनियर इक्वेशन है। ओके तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, जिस इक्वेशन में डिग्री क्या हो? 1। डिग्री का मतलब क्या होता था? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 में क्या आएगा? जैसे 2x + 7 पर इक्वेशन है ना तो साइन कौन सा लगाएंगे? इक्वल टू होगा, आगे जीरो लिख दे। तो ये हो गया आपकी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल कितने इसमें? एक ही वेरिएबल है ना, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है इसमें x। अब आते हैं हम जो आपकी डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी अब आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले बात इक्वेशन होगी, इक्वेशन कौन से वाली होगी? लीनियर वाली, और उसमें वेरिएबल्स कितने आएंगे? 2। तो एग्जांपल दीजिए कोई 3y + 4 वेरिएबल तो इसमें इज इक्वल टू 2x। तो इक्वेशन है इक्वल टू का साइन है, ठीक है जी, हाईएस्ट पावर कितनी x और y की? 1। तो इक्वेशन कौन सी आपकी? लीनियर। और वेरिएबल्स किसमें कितने हैं इसमें? 2। कौन कौन से? x एंड y। तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया?
और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी जो इस टाइप की इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा किया था फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। इसकी बात चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई थिंक डेफिनेशन में तो आई थिंक इतना ही था इसके। इसके बाद सीधी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, टाइप की होती है ना, तो हम डेफिनेशन में यही लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी क्या है, ये क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। और कॉन्स्टेंट भी ऐसे जिसमें ए और बी जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक जीरो हो गया तो वेरिएबल कितना बचेगा वन। एंड एक्स कोमा वाई आर वेरिएबल्स, एक्स और वाई क्या होने चाहिए वेरिएबल्स, इस कार के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आ गया, घर पे जाके इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। इसके बाद जी अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो दोनों दो एग्जांपल हैं दोनों आप घर से करके लाएंगे चेक करवाएंगे। पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। यही बोला ना इन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी है वो देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ ए द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये है ना। तो सॉल्यूशन मिल जाए, कॉस्ट ऑफ पेन इसको मान लीजिए x, लेट कॉस्ट ऑफ, क्योंकि दो वेरिएबल में लेके आ रहे हैं तो नोटबुक इसको क्या मानेंगे हम y, ताकि वेरिएबल हमारे कितने हो दो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है इन्होंने, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट क्या है ट्वाइस। तो कंडीशन क्या हमारी, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो आपने इसको लीनियर इक्वेशन बनाना था टू वेरिएबल्स में, ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखोगे इसमें एक तरफ जीरो कर दें वाई को उधर ले जाए, 2x माइनस वाई और इक्वल टू क्या आएगा जीरो।
ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है? नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो भी इक्वेशन है आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब कौन सी फॉर्म में लिखना है आपने उसको, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके बाद आपने ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में क्या है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9.3 बार है ना, 9.35 बार है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, जीरो नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, 9.35 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। सो 2x प्लस 3y, इसको ये प्लस का इसको इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इस फॉर्म का बन गया। और इन्होंने क्या क्या बोला है, वैल्यूज किसकी निकालनी है आपने, ए बी एंड सी की। तो इसके लिए लिखोगे आप कंपेयरिंग इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो ए के प्लेस पे क्या है, टू, वेरी गुड। बी के प्लेस पे और सी के प्लेस में 9.35। यहाँ पे सी प्लस क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन के साथ है। तो सी के लिए क्या है कि माइनस का 9.35 बार। तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन है सिंपल से, इसमें दिक्कत है कोई और पार्ट करवाना है इसका बताओ, एक आधा पार्ट और देख लो। सेकंड सिंपल ही है, x माइनस वाई बाई फाइव है ना, तो माइनस का टेन इक्वल टू जीरो। ये तो ऑलरेडी सी फॉर्म में है, ये तो राइट हैंड साइड क्या है इसकी, जीरो है। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तो वन अकेला x है, क्या लिखेंगे हम, वन इंटू एक्स प्लस माइनस का वाई बाई फाइव, ऐसे क्या लिखेंगे इसको, माइनस का वन बाई फाइव इंटू वाई प्लस सी के प्लेस में क्या है, माइनस का इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखेंगे। अब आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी गए कंपेयर कीजिए, ए के प्लेस पे वन, बी के प्लेस पे माइनस वन बाई फाइव और सी के प्लेस में, सी के प्लेस पे माइनस वन, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो चलिए थर्ड पार्ट बताइए इसका, सेवन फाइव इक्वल टू टू एक्स, यही है वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। चलिए एक एक करके सारे पार्ट कर लें, सेवन से ताल पर सारे हो जाएंगे। सेवन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स वाली टर्म तो नहीं है इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज
एक्स वाली टर्म नहीं है तो एक्स के साथ क्या लगाए हम, जीरो एक्स प्लस वाई वाली टर्म है तो वन वाई माइनस का टू इक्वल टू जीरो एक्स कितने, अब कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बी है, तो बताइए ए के प्लेस में क्या है, ए के प्लेस में क्या है, जीरो, एक्स नहीं, एक्स तो यहाँ पे भी है ना, एक्स नहीं देखना, एक्स का कोफिशिएंट, बी के प्लेस में क्या है, वन, सी के प्लेस में माइनस टू, ओके, और भी पार्ट उन्होंने एट पार्ट, हो जाएगा, जैसे फाइव इक्वल टू टू एक्स है, फाइव उधर ले जाएं, टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो वाई तो है नहीं इसमें, क्या देखेंगे, टू एक्स प्लस जीरो वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, कंपेयर करेंगे क्या आएगा, ए के प्लेस पे टू, बी के प्लेस पे जीरो और सी के प्लेस पे माइनस फाइव, तो समझ में आ गया, और कोई पार्ट करवाना है इसका, पक्का 4.1 कंप्लीट, ओके, अगर 4.1 कंप्लीट है तो चलिए बढ़ते हैं हम 4.2 की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं, एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही है समझाते हैं सॉल्यूशन होता क्या है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x plus y is equal to 4, ठीक है, इसमें x और y की हम क्या वैल्यूज रखें कि ये 4 के इक्वल आ जाए, बताओ, एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू रखें ये 4 के इक्वल टू 4 है ना, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि 4 के इक्वल आए, 0 में क्या ऐड करें कि 4 आए, 4, तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 4, तो जो एक्स इक्वल टू 0 और इसके साथ में y इक्वल टू 4, इन दोनों वैल्यूज ने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया, इनको हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गया, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यूज जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते, ठीक है, तो आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन
वेरिएबल्स की, यानी वेरिएबल्स एक्स और वाई, इसकी वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका सॉल्यूशन हो इक्वेशन की भी। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन का पता लग गया। अब मुझे ये कहो क्या इसका एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और कौन कौन से हो सकते हैं? अगर x की वैल्यू 1 सपोज करो तो 3, तो y की वैल्यू 3, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया इसका। अगर x की वैल्यू 2 करूंगा तो y की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 3 करता हूं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 करूंगा तो y की वैल्यू 3। क्या इतने ही आएंगे, ये और भी आएंगे? बस नहीं है, और भी आएंगे। अगर x की वैल्यू मैं माइनस 1 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अगर x की वैल्यू माइनस 2 रखूं तो y की वैल्यू 6। ये सारे क्या है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताइए एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है जी, समझ में आ गया? देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, पढ़ते रहो इसको। अब क्वेश्चन पे आइए, 4.2 के क्या लिखा है उन्होंने? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू एंड विच आर एंड वाई। एक इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में, y इक्वल टू 3x+5। तो ऑप्शन में बताइए क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे इक्वेशन दे रखी है आपने, उसके कितने सॉल्यूशन लिखने हैं? 4। पहली इक्वेशन क्या है? टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 7 है। इसके कितने सॉल्यूशन लिखने हमने? 4। तो अगर आपको सॉल्यूशन थोड़ा इजी करना है, ऐसा कीजिए इसमें एक वेरिएबल को एक साइड में रखिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। जैसे वाई को इस तरफ रखें तो एक्स को उधर ले जाए तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? अब अपनी मर्जी से एक्स की वैल्यू पुट करते रहे और वाई की वैल्यू निकालते रहे, बताइए क्या करें? एक्स की वैल्यू करें 0, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 7 × 0 = 7 × 0 = 7। एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 6, क्यों यहाँ पुट करो 1, वाई की वैल्यू क्या आएगी? 7 − 2 × 1, 2 × 2 = 7 − 2 = 5। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 × 2 = 4 − 7 − 4 = 3। x की वैल्यू 3 पुट करें 1, 3 × 6 = 7 − 6 = 1। कितने सॉल्यूशन पूछे इन्होंने? 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है इन्होंने? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9।
तो यहाँ से क्या आएगा भैया, इसको उधर ले गए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस पाई एक्स। चार सॉल्यूशन निकालने हैं, चलिए लिखते हैं जी बच्चों चार सॉल्यूशन, x y। x के लिए सबसे पहले क्या करें, 0 को पाई से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0, 9 माइनस 0, 9। फिर x के लिए क्या करें, 1, तो y के लिए क्या आएगी, 9 माइनस ऐसे आएगा ना पाई इंटू 1, तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पाई आएगा ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस पाई, ठीक है, एज इट इज रखेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू बार बार हम क्या निकालेंगे, जो टेबल में एज इट इज रखो उसको, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो समझ में आ गया, तो मुश्किल तो नहीं है, थर्ड बार कर लोगे पक्का। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, उन्होंने क्या लिखा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। आपने इक्वेशन कौन सी दे रखी है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। आपने ये बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसके कौन से सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है, यही बताना ना आपने, चेक करना आपने। फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, 0 कोमा, पहली वैल्यू किसकी होती है x और दूसरी वाली वैल्यू y, चेक करें इसमें पुट करके, तो कीजिए पुट x इक्वल टू 0 कोमा y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 करें, तो x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू y इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4, वो भी माइनस 4 और यहाँ से प्लस 4, क्या इक्वल है, एक प्लस का एक माइनस का सेम तो नहीं है ना, विच इज नॉट इक्वल। अगर x की जो ये वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर देती फिर तो सॉल्यूशन बन जाता, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो क्या लिखेंगे हम, सो 0.2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, और भी पार्ट फोर्थ वाला ये करके देखते हैं, कौन सा पॉइंट है, √2, ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, चलिए पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट कीजिए इसमें x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 4√2, चेक करते हैं क्या 4 भी इक्वल आएगा या नहीं आएगा, चेक करो √2 माइनस का 8√2 हो गया, 8√2 माइनस का 1√2 प्लस का तो कितना आएगा, माइनस का 7√2, क्या ये 4 के इक्वल है, नहीं है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 4, सो √2 कॉमा 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। समझ गए, अब एक आधा पॉइंट ऐसा भी देख लेते हैं जो सॉल्यूशन बने, ऐसा भी देखें, देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन बनता है इसमें से, दूसरा नहीं बनेगा तीसरा बनेगा, थर्ड पार्ट देखिए, 4.0 है ना, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, 4 माइनस 2 इंटू y इक्वल टू 0
क्या आएगा, 4 माइनस जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस जीरो 4 की इक्वल आ गया, सो 4 कॉमा 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? सेकंड पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कर लोगे आप, थर्ड सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो बुक पे, इससे सिमिलर आया था, इसके सिमिलर आया था ना, इसलिए तो बोलो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट। क्या इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 y इक्वल टू के, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिंस x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू, यानी ये जो टर्म है इसका सॉल्यूशन दे रखी है, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, k की। अब क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सो अब ये वैल्यूज पुट करें डायरेक्ट x और y की, सो एट 2 इंटू एक्स वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई वैल्यू 1 इक्वल आएगा ना, किसके इक्वल आएगा, ये तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगी, 2 टू 4 प्लस 3 तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 7, और यही आपको निकालना है, समझ में आ गया अच्छे से, 4.2 आपकी कंप्लीट। चलिए आज के लिए इतना ही।